हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आ मास्टर चुके हैं हम एक यू और न्यू लिसन वीडियो के टू साथ। तो गाइस, होप सो मी सब ठीक ठाक होंगे। ऑन मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। तो गाइस, हम खेल रहे थे इरेंगल एज यूजुअल, और हम जा रहे थे तो दो नोवो। चार तो काफी स्क्वाड है। नोवो में बहुत बंदे आए थे, तो उतरते साथ ही माशाल्लाह मुझे गन मिल गई, लेकिन बंदा पास कोई नहीं उतरा। अब ये पैराशूट में था, मैंने इसको मारने की ट्राई की, क्या हो लेकिन गया भाई? कोई कनेक्ट नहीं हुई। खैर बंदा एक छोड़ो। साल तो पता है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप थम फायर बटन क्यों यूज़ करते हो। मतलब मेरा ये जो सा थम फायर है ना, मैं इसी को यूज़ करता हूँ फॉर क्लोज रेंज, फॉर लॉन्ग रेंज, मतलब सभी के लिए। सही है? तो काफ़ी लोग पूछ मेरी रहे थे एक ही क्यों यूज़ माइंड करते हो, तो करती मैं है। आपको बताता हूँ कि मैं क्यों यूज़ करता हूँ थम फायर से। गाइज, आपकी जो हिप फायर होता है ना, एक तो हिप फायर आपका अच्छा होता है, दूसरा आपके एम एक्यूरेसी अच्छी होती है। सही है? अगर आप अब थम प्लेयर है ना, मतलब कोई आप थम प्लेयर देख लो, उसका एम जो होगा ना, वो क्लोज में बहुत ज़्यादा मैं अच्छा गया होगा, थम और प्लेट उसका पे जो बंदे को स्प्रे मार होगा के ना, आता। स्प्रे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे जोनाथन है, वो अब थम मैं आ गया प्लेयर आ है, गया आ गया। तो वो मतलब थम से ही फायर देता है, थम से लूट ही नहीं हिप है मेरे फायर, पास मतलब क्लोज में भी थम से से लूट ही करके फायर आता लेता है, हूँ। और लॉन्ग में भी थम से फायर लेता है। तो इसलिए मैं भी मतलब थम पे शिफ्ट हुआ था, आ गया। तो यही रीज़न था कि अब मैं मतलब थम से ही ना वैसे भी फायर थम में से लूट जो करके मैं आता फायर हूँ वगैरह मैं। करता हूँ, वो मैं थम से ही करता हूँ, फॉर क्लोज और फॉर लॉन्ग दोनों के लिए। सही है? तो ये था इसका आंसर। बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चलो बता दूँ। तो हम नोवो उतरे हुए थे, 4 किल्स हमारे हो चुके थे, हम आगे बढ़ते जा रहे थे, बंदे मारते जा रहे थे। तो यहाँ अब दो बंदे होंगे, मैं समझता हूँ एक बंदा है। यहाँ अब मैं बाहर निकल के मारने लगता हूँ, दूसरा कैंपर बैठा होता है, एक को तो मैं वो कर देता हूँ। अब मेरे टीममेट्स को देखो भाई, एक बंदा नहीं मरने होता इनसे। वाह, सारे लगे हैं, जो नॉक है उसको फिनिश कर दिया है, जो मतलब मार रहा है उसको कोई नहीं नॉक कर रहा। तो यहाँ मुझे रिवाइव देते हैं ये लोग, तो मैं रिवाइव होता हूँ। मैं मेरे पास फर्स्ट एड नहीं होता, मैं पहले लूटने आता हूँ इसको, लेकिन इससे भी मुझे फर्स्ट एड नहीं मिलता। फिर मैं टीममेट से आ गया। मांगता हूँ, तो उनसे मुझे फर्स्ट एड मिल जाता है। तो अब ये वाला स्क्वाड फिनिश हो जाता है, तो अब मैं बंदे स्पोर्ट कर रहा होता हूँ कि कहाँ है, मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ ताकि ईजिली ना स्पोर्ट हो जाए बंदे। बंदे कितने हैं बंदे? तो एक बंदा मुझे नज़र आता है, वो नॉक पड़ा होता है, पता नहीं कब का। बाद में मैं जाके इसको लूटता हूँ ना, तो इसके पास मतलब होता भी कुछ नहीं है। ये मतलब मेरे ख्याल से उतरते साथ ही नॉक हो जाता है, फिर ऑफलाइन हो जाता है। तो यहाँ एक इसको मारा मैंने, दूसरा बंदा वहाँ से ऊपर चढ़ के आ रहा होता है, तो इसको भी मैंने नॉक किया यहाँ पे। वाह, और इसको जैसे ही नॉक किया मैंने, मैंने कहा पुश कर दो, क्योंकि ये तीन क्योंकि थे मैं बंदे, जा रहा हूँ तो खराब मैंने कहा अपने करियर। टीममेट्स को अब पुश करो। एक और है ना वहां से। तो यहाँ हम पुश करते हैं, एक को मैं मारता हूँ, बाकी दो को मेरे टीममेट्स मार देते हैं, तो यहाँ ये वाला स्क्वाड भी वाइप हो जाता है। तो हम आ फिर गया। यहाँ से, यहाँ और कोई बंदा नहीं होता बचा होता, बाकी हम यहाँ से निकलते हैं, हम मिलिट्री वगैरह मतलब घूमते हैं, कोई बंदा नहीं मिलता, तो हम आ जाते हैं ब्रिज पे। लेकिन मुश्किल अब ही है यहाँ अपना हमारी नाम ही ना बड़ी लूं। अच्छी फाइट होनी मैं है, अपनी सेटिंग पे यहाँ मुश्किल पे है मतलब ब्रिज कैंप मुश्किल हुआ होता है मुश्किल हमारा। हो जाता। अरे तो मैं साइलेंट कहां का हूं मैसेज मैं आया कहां था, ओके। तो हूं यहाँ मैं ब्रिज कहां हूं कैंप मैं हुआ होता है, तो वो बंदा ऊपर लेटा होता है, मैं इसको नॉक कहां करता हूं हूँ। मैं सेटिंग कर रहा हूं यार। इसको बैक नॉक पे ही करते अपने साथ ही फोन मैं के नंबर से। फिनिश करने के करता हूँ, लेकिन होता नहीं है वो फिनिश, वो नीचे उतर जाता है। तो वहाँ वो बोट्स लड़ रहे होते हैं, मैं समझता थोड़ा हूँ वहाँ सा भी बंदे हैं। तो इनकी गेम देख लेना। मैं कर रहा हूँ नंबर। मैं करता जी हूँ मैं कर रहा वेट हूँ। करो। लोग इनको कि मैं लूं नंबर सर्च हूँ। हमारे नुमान भाई और जब इनकी गाड़ी उड़ा दूं नुमान भाई। बंदे आ गए। मैं नुमान भाई ये साइड से जा रहा हूँ। वो एक उसके ऊपर चढ़ के ना होता है। तो यहाँ पे हम इनके इन पे कर देते हैं पुश, और मार्क नहीं मज़े है की भाई बात ये क्या हो होती है, गया? जो मैंने पहले नॉक किया होता है ना, वो फिर बेचारा रिवाइव ही नहीं हुआ होता। तो इनके पीछे एक और स्क्वाड आ जाता है ना,
तो हम मतलब इन पे पुश करते हैं, तो मतलब हम इनको जैसे फिनिश करते हैं ना तो पीछे एक और स्क्वाड आ जाएगा। वो देखिए वो गाड़ी जा रही है वहाँ पे, फायर्स वगैरह भी हो रहे हैं, गाड़ी भी जा रही है। उसके बाद अभी एक पीछे से बाइक पे बंदा आएगा, उसको देखना मैं कैसे उतारूंगा। या मैं आता हूँ या नीचे से ना एक बंदा मतलब पानी से जा रहा होता है, मुझे साउंड आता है कि पानी से एक बंदा ना स्विम करके जा रहा है। तो यहाँ नज़र नहीं आता मुझे, मैं बाइक वाले को मारता हूँ। बंदा रिटर्न बाकी मार भाई, यहाँ लूट वगैरह हम करते हैं, उसके बाद हम इन पे भी पुश करेंगे। एक बंदा पुश कर रहा है नमान भाई, ये इधर है, बात करो तू। वॉच आउट, मैं भी एक ये केयरफुल इधर, मान, स्मोक नहीं है। हाँ इधर ही, नाइस नाइस इधर वाला नाइस। बहुत लो है, इधर वाला एक बहुत वॉच लो है आउट, नमान भाई। नाइस नाइस, बग्गी गाड़ी आई आ गई पीछे से उनसे, पर। बग्गी भी आई उनसे, बग्गी आई। तो गाइज यहाँ मैं इनके दो नॉक करता हूँ, उसके बाद हम करने लगते हैं इन पे पूछना। तो पीछे एक और स्क्वाड आ जाता है। अब ये दूसरा स्क्वाड होता है जिससे देखते हम थर्ड फाइट ले रहे पार्टी होते में हैं, हो उसके जाना बाद एक और थर्ड स्क्वाड आ जाता है। पीछे चाचू। इसके बाद देखना एक और ओके स्क्वाड ओके, आएगा यहाँ पे प्लान ना, किए मतलब बिल्कुल ही। यहाँ दो और स्क्वाड से फाइट होगी हमारी। दो दो अरे हमने फिनिश कर दिए आओ तेरे को स्क्वाड है भाई, और उधर है दो और स्क्वाड से फाइट होगी हमारी यहाँ। नंबर 3 पीछे आ जाओ। तो हमें नहीं पता होता यहाँ ना, नंबर मतलब थ्री दो अभी एक स्क्वाड हैं बाहर पे अलग आया, अलग। सही है। अभी एक बाहर तो पे भी हम आया पीछे वॉच से, टावर रश करते हैं, तो ये जिनका मैंने नॉक किया दूसरी वाली ये साइड अलग में भी एक स्क्वाड है, और बंदा है। जिसने मुझे नॉक किया ना ये अलग स्क्वाड है। सही है। ये जिसको मैंने नॉक किया और इसके नमान भाई, टीममेट्स हैं ये घर पे, मैं आ गया मैं आ और गया मैं जिसने आ मुझे गया, नॉक कवर किया मैं आ वो गया, मतलब कवर लेफ्ट दूंगी साइड रिज के वो ऊपर है। सही है। ये। तो मतलब अब यहाँ मेरे पास हील वगैरह नहीं होती, ड्रॉप क्योंकि कर हमने दिए, किसी को ड्रॉप लूटा कर ही नहीं दिए होता। भाई, उन दो को एक पे लूटा पे था, डाउन उनके किया पास ना मतलब भाई, हील नहीं रुक जा मिली तू थी रुक जा, मुझे। तो मैं अब घर वाले होते हैं हमारे सामने, वो तो मैं उन पे दफा पे रश नहीं दो बंदे हैं, करता। एक मैंने डाउन किया मैं ये था। जो लेफ्ट हिल पे होते हैं ना, मैं क्योंकि पीछे काफ़ी रिज होता है मेरे पास, तो मैं ये इन पे मतलब एंगल बनाने की ट्राई करता हूँ, और एंगल बना भी लेता रास्ता हूँ। बना दिया आगे जाने के लिए, अभी तो मैं वापिस से आ यहाँ एक भाई। नॉक करने की ट्राई करता हूँ डीपी के साथ, लेकिन होता नहीं है। फिर मैं M4 निकालता हूँ, M4 से फिर मैं इनको मारूंगा। इनके मतलब दो बंदे होते हैं, पूरा स्क्वाड नहीं होता। पहले को मैंने नॉक किया और दूसरे को दूसरा फिनिश हो गया। नाइस अब चाचू जो जी, घर वाले थे ना वो मतलब जोन में के नाइस। बाहर थे, तो वो बग्गी एक लेके बंदा बग्गी मतलब लेके निकल भाग जाते जाता है हैं। मेरे इधर। हाँ जी, मुझे 5 की एमओ चाहिए, है ही नहीं मेरे पास चाचू। जरा खाई में लगाओ, नुमान भाई जाएगा और कोई ना जाए लूटने। मुझे मेरा हेलमेट दे दी दोस्त, मैं लेता हूँ ग्रोजा, मैं डीपी ले रहा हूँ। तो यहाँ से हम ड्रॉप वगैरह लूटते हैं, तो पीछे ना गाड़ी आती है, तो मैं गाड़ी पे जैसे ही स्प्रे देता हूँ, बंदा ही नहीं होता गाड़ी पे, क्योंकि गाड़ी अभी आगे रुकी होती है। इससे मुझे पता चल जाता है कि ना एक ही बंदा था। अगर मतलब ज़्यादा बंदे होते ना तो वो सामने नज़र आ जाते, एक था तभी वो ओके गायब हो गया। अगर दो तीन होते ना तो एक आधा तो नज़र आ ही जाता हमें। तो इसलिए मैं इनको मुझे पता बिठाता था हूँ और ये हील डायरेक्ट जाती क्रश है कर आपके देता ऊपर हूँ इन पे। मेरे पास ठीक ग्रोज़ा होती है, मुझे ड्रॉप से ग्रोज़ा मिलती है, तो इस बंदे के पास भी क्लोज होगा। मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, ये लेफ्ट दरख्त पे खड़ा होता है वो भाई साहब, इतना मतलब क्लोज होता है ये, मुझे नॉक ये फिनिश पकड़ा कर तो सकता था इजीली, क्योंकि जयवाद। मुझे इसकी मतलब लोकेशन नहीं पता थी। तो मैं इनको लूट रहा होता हूँ, तो मतलब लूट वगैरह कर रहे होता हूँ ना, तो एकदम से मेरी ड्रॉप पे ना नज़र जाएगी, तो ड्रॉप पे स्मोक हुआ होगा। No. तो हेडिंग ड्रॉप पे किया, स्मोक हुआ होता है और एक ही बंदा होता है यहाँ हेडिंग भी। किया, तो मैं इस पे मतलब राइट साइड तो से, बंदे नजर आ क्योंकि गए ये हैं रिज के पीछे होता है, तो मैं पीछे राइट, ये बंदे। काफ़ी रिजिज बना दिए हैं इन्होंने ना, जाना ये है फिर, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिजिज बना दिए हैं न्यू मैप में ना, चलो उस्मान। कवर वगैरह बंदे काफ़ी हैं ज़्यादा नमान बना भाई, दिया। बंदे हैं इधर, तो रिच अब ये बंदे एक ही हैं। बंदा होता है। सही है। हाँ तो अब मैं इसके हाँ क्लोज इधर जा रहा हूँ, तो ये मेरे बंदे हैं क्लोज आ भाई, रहा होता है, रिच मैं समझ रहा होता हूँ यार आ ये पुश बंदे कर हैं रहा है, इधर, एक रिच बंदा बंदे ओके हैं। है, हम बस तीन तीन ज्यादा इंच आगे पे ना, पुश जा कर रहे हैं ये। नुमान को तो जाने मुझे दे पहले। बाद में पता चलता है जनाब यहाँ से गाड़ी उठा के निकल रहे होते एक हैं, और गाड़ी आई, तो इसको मैं यहाँ से गाड़ी गिर ऊपर से गया उतार इधर लेता हूँ। से। तो गाइज लाइक कर दो, लाइक का मैंने अभी तक नहीं बोला, लाइक कर दो और कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दो, ओ और माय अगर मतलब अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, लोगों के साथ में बात नहीं और करता बाकी मैं, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और बाकी यहाँ मिलते ये हैं। दूसरे ड्रॉप पे भी मैं हम आते हैं, तो यहाँ पे भी ना स्मोक हुआ होता है। मैं बंदा ढूंढ रहा होता हूँ, बंदा कहाँ है, ये तो बंदा लेफ्ट आ साइड से गया मुझे हमारी तरफ ही लगा, आ रहा होता है। तो जैसे मैं उसको देखता हूँ, फिर मैं उस पर स्प्रे देता हूँ,
और ये एक ही होता है, और यहाँ हमारे हो जाते हैं 18 19 स्किल। सही है, तो अब दो ही बंदे रह गए होते हैं, वो दोनों को देखना। अभी एक ही उसमें ना पैनिक रूम में कैंप कर रहे होंगे, इधर ये इधर इसने शॉट दी तो हमें इसकी लोकेशन पता चल गई। वैसे भी हम इसी साइड आ रहे थे, तो चलो सच वो आगे हो मतलब अभी मुझे सही तरह लोकेशन नहीं पता थी ये किधर है, तो मैं समझता हूँ ये लेफ्ट साइड ही है। मैं जैसे ही घुसता हूँ अंदर, हो भाई मुझे इसने डैमेज दिया, तो यहाँ मैं स्प्रे छोड़ देता हूँ एक टाइम के लिए ना, मैं समझता हूँ मर जाएगा लेकिन नहीं मरता, तो फिर मैं इसको दोबारा मारता हूँ। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाकी सब्सक्राइब भी कर देना और इंस्टा पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।